सेकेंड पार्ट ऑफ अवर एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्लान इज स्ट्रेटेजी डिवेलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन वेन वी हैव गॉन थ्रू द सिचुएशन एनालिसिस हमने देख लिया कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं प्रॉब्लम्स को अंडरस्टेंड कर लिया प्रॉब्लम्स के अंदर छुपी हुई जो अपरचुनिटीज थी उसको भी इंडिकेट uh, कर दिया तो अब उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और उस स्पेसिफिक मार्केट में अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए हम एक स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे उस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के भी कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दैट इंक्लूड्स नंबर वन ऑब्जेक्टिव एंड एजॉम्स आपके मकासद क्या हैं और ये मकासद आप किन चीजों को ज्यूम करके आप इन ऑब्जेक्टिव पर पहुंचे हैं आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट टारगेट मार्केट क्या है कि हमने उस मार्केट को डिवाइड किया है कुछ सेगमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ मे बी द डेमोग्राफीज जो डेमोग्राफिक uh, वेरिएबल्स हैं जैसे एज है जैसे इनकम uh, है जैसे जेंडर है जैसे एजुकेशन है उस बुनियाद पे हमने उस कंट्री मार्केट को डिवाइड किया है कुछ सेगमेंट्स उन में उनमें से एक सेगमेंट को हमने सिलेक्ट किया है जिस सेगमेंट के लिए हमने मार्केटिंग करनी है जिस सेगमेंट को हमने फोकस करना है इन ऑर्डर टू डिवाइज ओवर मार्केटिंग मिक्स तो ये वो जो सिलेक्टेड सेगमेंट है वो कहलाता है टारगेट मार्केट फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि वो टीन एजर्स जो कि इंटरनेशनल मीडिया से एक्सपोज हैं जिनका ताल्लुक अ फ्लूंट फैमिली से है जो आ, जिनकी रिलकटेंस टू चेंज कम है बल्कि वो जो गोइंग फैश और ट्रेंड्स हैं उनको जल्दी अडोप्ट करते हैं वो है मेरा सेगमेंट मेरी प्रोडक्ट उनके लिए है तो ये स्पेसिफिक सेगमेंट ये स्पेसिफिक ग्रुप आपकी टारगेट मार्केट कहलाएगी देन इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग प्लान जो आप ये सारी कोशिश के नतीजे में जो मार्केटिंग प्लान आप तरतीब देंगे फिर उसको बाकायदगी से और अमली तौर पर उसके ऊपर काम शुरू करना जो है वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान कहलाएगा फिर एक बहुत अहम हिस्सा जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग से क्या मुराद है कंट्रोलिंग से मुराद ये है कि आपका मार्केटिंग प्लान किस हद तक काम कर रहा है क्या आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग प्लान में कामयाब हैं या नहीं अगर कामयाब हैं, तो किस हद तक कामयाब हैं? अगर नहीं तो कितनी नाकामी है और अगर नाकामी है तो उसकी वजूहत क्या है